हाँ भाई पब्लिक, मज़े आ रहे हैं? मज़े तो आज मूवी फैंस के आएंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक कुछ यूं है। सोशल मीडिया से कैसे ज़िंदगी बदल सकती है, मतलब आसान अल्फाज में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन ऐप्स से किसी की ज़िंदगी में कैसे चेंज आ सकता है। क्योंकि बतौर अम्मा अब्बा के हमारी ज़िंदगी के आधे मसले फ़ोन से ही हैं, तो फिर कैसे इन शैतानी ताकतों से किसी की ज़िंदगी में आया इनकलाब, आइए देखते हैं। अबे किधर जा रहे हैं, जरी बैठ। तो ये दास्तान शुरू होती है 21 नवंबर 2017 को, जब किसी ने #releaseSnyderCut के साथ एक ट्वीट किया। उस टाइम पे तो ये एक आम सा ट्रेंड था, बट किसी को क्या पता था कि एक हैशटैग पूरी मूवी वर्ल्ड को ही चेंज कर देगा। अब जब 2017 अक्टूबर में जस्टिस लीग थिएटर में रिलीज हुई, तो हम समेत काफी फैंस का बहुत अच्छा रिस्पांस था। लेकिन कुछ ही अरसे में जब सबको पता चला कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन तो बिल्कुल ही अलग थी और इस गंजू डायरेक्टर ने पूरी मूवी रीशूट की है, तो डीसी फैंस के दिल में दर्द और मुंह से गालियां निकलना शुरू हुई। अब जैसे हर एहतजाज में तीन तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो असल मुद्दे के लिए आते हैं, दूसरे वो जो जाती फायदे के लिए आते हैं, और तीसरे जो खाली चने बेचने के लिए आते हैं। तो इस मूवमेंट में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जैक स्नाइडर, जिनके नाम से मूवी जानी जाती है, उस वक्त काफी रगड़े में आए, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, तो उस वक्त काफी लोग और काफी कैंपेन्स बनाए गए टू स्पेशली हेट ऑन जैक स्नाइडर एंड हिज विजन। जिसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल बनाया गया, क्या वाकई स्नाइडर कट नाम की कोई चीज है भी या नहीं। इस सब हेट के बाद जैक स्नाइडर ने लिया वीरो का सहारा, जहां उन्होंने पोस्टिंग करना शुरू कर दी कि स्नाइडर कट नाम की भी एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। इस एक्ट के बाद #releaseSnyderCut के सपोर्टर्स में इजाफा हुआ, और देखते ही देखते ये हैशटैग एक ट्रेंड बन गया और तकरीबन 10 लाख लोगों ने इस पर ट्वीट्स कर डाली। अब फैंस की इतनी बड़ी तादाद देखने के बाद वार्नर ब्रदर्स को भी होश आया और उन्होंने जैक स्नाइडर को अपनी जस्टिस लीग रिलीज करने के लिए एक ग्रीन सिग्नल दे दिया, और इस तरह 18 मार्च 2021 को जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग रिलीज हुई। मूवी के रिलीज होते ही एक नया हैशटैग सामने आया, जिसने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और 24 घंटे के अंदर 15 लाख लोगों ने ट्वीट्स कर डाली कि भैया अब हमें चाहिए स्नाइडर वर्स। HBO Max जिस प्लेटफॉर्म पे ये मूवी रिलीज हुई, उसकी सब्सक्रिप्शन में 64% तक इजाफा देखा गया। अब इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों की ज़िंदगी बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। कैसे एक हैशटैग पूरे फिल्म स्टूडियो को घुटनों तक ला सकता है, और कैसे एक लीक्ड पिक्चर किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकती है। चले भाषण तो बहुत हो गया, अब बात करते हैं मूवी की। सुपरमैन के इंतकाल के बाद बैटमैन हो जाता है बिल्कुल अकेला, और जब ये बात स्टीफन चाचा को पता चलती है, तो वो अपनी आवाम लेके दुनिया पे धावा बोल देते हैं। उन्हें तलाश होती है 3 मादा डब्बों की। अब आपको लग रहा है कि ये मेन विलन है, तो बिल्कुल भी नहीं, इन्हें तो बस घर जाना है। असल डैडी तो ये है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। अब स्टीफन चाचा फाइनली 3 मादा डब्बे जमा कर लेते हैं, और डार्क साइड को बुला ही रहे होते हैं कि सुपरमैन को याद आ जाता है कि वो तो अपनी हिस्ट्री रीड करना ही भूल गए, और कबर से निकलकर स्टीफन चाचा को पेल दिया जाता है। ऐसी ही मूवी मुकम्मल हो जाती है और सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं, सिवाय बैटमैन के, जिन्हें रात में गंदे गंदे सपने आ रहे होते हैं। एज अ वीडियो मेकर, हमें खुशी इस बात की है कि एक डायरेक्टर जिसका विजन इतना लाजवाब था, उसकी मूवी लाखों लोगों ने आखिरकार देख ही ली, और जो वो दाद डिजर्व करता था वो उसे मिली, और कॉमिक बुक फैंस को इतनी अच्छी स्टोरी लाइव एक्शन में देखने को मिली। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि तमाम कॉमिक बुक फैंस को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। शो सम लव और वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, और कॉमेंट में बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी थी। टिल देन, हैकर बॉयज़ out.